शांति। आज की तारीख है 16/8/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है हम बच्चों को पावन बनाने के लिए, हम बच्चों की जो बैटरी माया के कारण डिस्चार्ज हो चुकी है उसको फिर से चार्ज करते हुए। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम पवित्र बनने के बिगर वापस नहीं जा सकते, इसलिए बाप की याद से आत्मा की बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। यानी हमारा स्वभाव है, संस्कार है, हमारा स्वरूप है, हम है ही पवित्र स्वरूप, तो नेचुरल पवित्र बनो। प्रश्न है आज का, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? तो उत्तर है, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखलाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिला है। तुम जानते हो कि हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बजाने, हम असल वहां के रहने वाले हैं, यानी पांच तत्वों से पार परम धाम में ऊपर के रहने वाले हैं, अभी हमें वहां ही वापस जाना है। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक है, इस शरीर रूपी कचड़े से ममत्व निकाल कर जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। नंबर दो है, डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, दृढ़ता की शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही, सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है आज का, सदा संतुष्ट रह, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।